आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम बिस्टान रोड स्थित मैरिज गार्डन में हुआ। यहां बतौर अतिथि प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने पार्टी विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार का मॉडल देश भर में सराहा जा रहा है। इसी का नतीजा है कि पंजाब में सरकार बनी है, गुजरात और हिमाचल में भी पार्टी को समर्थन मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पार्टी बेहतर स्थिति में है। सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में जिला तथा विधानसभा और कुछ जगह ग्राम और वार्ड स्तर पर संगठन तैयार है। पार्टी पूरी ताकत और जोश से आगामी नगरीय निकाय और विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता को आप तीसरा विकल्प पूरी क्षमता ताकत और विश्वास के साथ देगी तथा दिल्ली मॉडल को आम जन को लेकर जाएगी। सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए केंद्र सरकार बौखला गई है। CBI और ED की कार्रवाई से डराना चाहते हैं, लेकिन खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं चलेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। उनका नाम जो व्यक्ति को हम जोड़ रहे हैं उनका नाम इसमें लिखा है। तीसरे नंबर का ताला वाला है मोबाइल नंबर। जिस व्यक्ति को हम आम आदमी पार्टी से जोड़ रहे हैं उनका मोबाइल नंबर इस तीसरे नंबर के ताला में लिखना है। आप सभी अपने पास की सीटों को देखिए, उस सीट को ध्यान से देखिए। देश बनाते हैं, यहाँ की जनता अच्छी है, यहाँ के संसाधन अच्छे हैं, खनिज संपदा अच्छी है, माँ नर्मदा अच्छी है, नदियाँ अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी अगर ये प्रदेश पीछे है तो इसके लिए सत्ता में बैठे लोग जिम्मेवार हैं। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हमने सब कुछ निःशुल्क दिया, जिसको मोदी जी रेवड़ी बोलते हैं, वो संवैधानिक अधिकार है जनता को अच्छी शिक्षा पाना, स्वास्थ्य सुविधाएँ पाना, बिजली पानी सड़क की सुविधाएँ पाना, किसान भाइयों को फसल का दाम और फसल का मुआवजा पाना, ये जनता का अधिकार है। वो हमने दिल्ली में दिया, फ्री में देने के बाद भी जो दिल्ली का 30,000 करोड़ का बजट था आज फायदे का बजट है 75,800 करोड़ का बजट है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक काम नहीं गिना सकते कि उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया, माताएं बहनों के लिए क्या किया, बच्चों के लिए। तो कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर एक पहुंच रहा है। 110 करोड़ का पोषण आहार का घोटाला भी सामने आया है, लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश का बजट 2,80,000 करोड़ रुपए है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? शिवराज के नज़दीकी लोगों के पास जा रहा है, इनके दोस्तों के पास जा रहा है, चाहे वो दिलीप बिल्डकॉन से लेकर कोई भी हो, वहाँ तक पैसा जा रहा है। इसको आम आदमी पार्टी रोकेगी, जनता का पैसा जनता के लिए खर्च करके देगा। हमने चिट्ठी लिखी थी केजरीवाल जी को लोकपाल को लेकर, अभी तक लोकपाल लागू नहीं हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी है तभी विधानसभा में, आप चेक कर लीजिएगा, विधानसभा में लोकपाल बिल को पारित करके भेजा जा चुका है। शुरुआती दौर में ही केंद्र सरकार की मोहर लगनी वहाँ बाकी है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी इसको रोक के रखें। पंकज सिंह प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।